नमस्कार, सबसे बड़ी खबर पर ले चलते हैं इस वक्त की न्यूज रूम से। मैं मिन्हाज आलम, चलिए बड़ी खबरों पर ले चलते हैं। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पहुंचे कोचाधवन ब्लॉक निरीक्षण करने। ब्लॉक निरीक्षण के दरमियान में कई समस्याएं सामने आई, संवाददाता हमारे मौजूद रहे। बताते चले कि जिस तरह से किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने ब्लॉक का निरीक्षण किया तो उसमें कई खामियां निकल कर सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसे में ब्लॉक प्रशासन से की व्यवस्थाओं को सुधारिए, लोगों की जन समस्याओं को जल्द से जल्द उसका समस्याओं का समाधान की जाए। ऐसे में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जावेद आजाद ने जो चीज़ें कही है वो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। साथ साथ किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का कोचाधवन के प्रखंड विकास पदाधिकारी शम्स तबरेज एवं ब्लॉक प्रमुख ने माला पहनाकर स्वागत किया तो वहीं गुलदस्ता देते हुए भी नजर आए। हालांकि किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद सांसद मौजूद रहे, हालांकि जो मीटिंग चली बड़े लंबे देर तक चली। क्या कुछ मीटिंग में जान पा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं तस्वीरों पर कानून के दायरे में हम लोगों का। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई है सरकार की कई योजनाएं, इसके बारे में आवाम को नहीं पता या बहुत कम लोगों को पता। मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि आप लोग जितने भी हमारे प्रवीण साहब भी हैं और रसिया गर्मी है और जो लोग हैं उनका इस्तेमाल करके उनसे सहयोग लेके ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम हमारे इलाके में बने। जैसे मैडम ने कुछ जो फिगर्स दिए, एक तिहाई थोड़ा कम है, हम उम्मीद करेंगे कि उसको जो है बाकी योजनाओं की तरह इसको 95% क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। जयपुर है इसमें परिवार में 13 आदमी है, इसमें से राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम, 8 लोगों का राशन कार्ड। हालात देखते हुए हमने अपने तरफ से कुछ लोगों को रखा है, जो इतनी सारी सरकार की योजना है, जो केंद्र की सरकार की योजना है या स्टेट की सरकार की योजना है, इसका लाभ हमारे आम जनता को मिले। और जो अभी हाल में देखा गया है कि बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। जैसा मैडम खुद बता रही है कि उनको दिक्कत हो रही है, उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा। आधार कार्ड कैसे बने इसको हम लोग सुनिश्चित हम लोगों को करना है। अगर आपको सेंटर कम मिलता है तो उसकी जानकारी टीम से आपको मिले, हमें भी दें, ताकि हम जो कंसर्न मिनिस्टर है उसे हम लोग रिक्वेस्ट करके हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। उसी तरह जैसा उन्होंने बताया कि जो राशन कार्ड में हर महीने 5 किलो और क्या क्या आप लोग देते हैं, आप लोग के माध्यम से जाता है और उसमें आधे लोग या 1/10 भी लोग छूट जाए, ये सरासर ना है। सर हमें पता है कई ऐसे लोग हैं जो विधवा हो गई, उसको वृद्धा पेंशन नहीं है, उसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा। और कौन सा होता है वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत विकलांग को नहीं मिल रहा है, तो उसको जो लोग भी आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, वीडियो साहब आपको ब्लॉक आपके अधीन आता है तो आप सुनिश्चित करें कि इसकी जो संख्या है उसको मदद करने में हम लोग सक्षम रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग माला पहनाकर स्वागत किया तो वहीं कोचाधवन के अंचलाधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं साथ साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी संत तवेज ने माला पहनाकर गुलदस्ता से स्वागत किया सांसद महोदय डॉक्टर जावेद आजाद किशनगंज। संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी। हालांकि इस मीटिंग को बुलाया गया था स्पेशल ब्लॉक में, कार्यकाल को लेकर ब्लॉक में किस तरह से गतिविधि चल रही है तो वहीं
मौजूद रहे, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डॉक्टर एनामुल भी मौजूद रहे, वो उन्होंने भी माला पहनाकर स्वागत किया। तो सारी चीज़ों से अवगत कराया गया। सांसद में डॉक्टर जावेद आज़ाद ने जायज़ा लिया कि किस तरह से ब्लॉक में कार्यकाल चल रहा है। तो वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष जफर असलम भी मौजूद रहे, हालांकि इस सारे चीज़ों की डिटेल्स भी ली गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी शम्स तबरेज ने कई चीज़ों से अवगत कराया। तो लोगों ने CO एवं कृषि विभाग के खिलाफ कई मामला दर्ज कराई। लोगों ने कहा कि ऐसे में काम को लेकर अंचल अधिकारी बेहतर व्यवस्था पर नहीं कर रही है। तो वहीं CDPO के खिलाफ लोगों ने भी कई चीज़ें सामने लाया कि CDPO कभी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा नहीं करती, जिसमें आम जनों को काफ़ी दिक्कत होती है। तस्वीरें सामने हैं, आप देख रहे हैं कि क्या कुछ बातें हो रही है। 5,656 और टोटल अभी तक जो है हम लोग फर्स्ट क्लास में जो मिला करके 51,426 जो 341 लोगों का बचा हुआ था पेमेंट करने के लिए, वो 341 मामलों पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उस दिन अकाउंट ओपन हुआ, जब 247 लोगों का अकाउंट खुल गया। संवाददाता ने एक बड़ी रिसर्च को सामने लाया। संवाददाता ने सवाल पूछा, ऐसे में जो किशनगंज की हालत है, ब्लॉक में जो आपका मीटिंग चली और यहाँ पे कुछ लोगों का शिकायत ये भी है कि यहाँ पे एक कर्मचारी असगर कमाल के नाम से है, वो खुले आम रिश्वत भी मांगता है, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया था? हमने CEO साहब को कहा है कि देखिए सच्चाई है तो उस पर चीज़ कार्रवाई जी। और सर यहाँ पे जल नल योजनाओं की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है, लोगों का कहना है कि जो नलके खड़ी है वो धड़ा का धड़ा रह गया, टूटी कनेक्शन का जो है पानी तक नहीं पहुँच रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपको? इस पर तो जो मौजूदा सरकार है BJP और JDU इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का खरबों रुपया इसमें खर्ची जी और ये ढांचा बना हुआ है और इससे पब्लिक को अभी तक कोई लाभ दिखने को नहीं मिला। बहुत ही चिंता का विषय है कि पब्लिक का पैसा इस तरह से बर्बाद किया गया है। कोचरहोन के विधायक हाजी इजहार एसपी, सांसद किशनगंज डॉक्टर जावेद आज़ाद ने काठामाठा गांव पहुंचकर एक सड़क का शिलान्यास किया, तो वहीं साथ साथ में उन्होंने पुल का भी शिलान्यास करते दिखे। एक तरफ कई सड़कों को लेकर जायजा भी लिया, तो कहीं लोगों से पार्लियामेंट्री फंड से कुछ सड़कें बनाने को लेकर लोगों से बात भी की। तो वहीं साथ साथ मौजूद रहे AIM विधायक हाजी झारसपी, साथ में रहे किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद। तस्वीरें आपके सामने हैं, हालांकि विधायक हाजी इजहारसफी ने सांसद महोदय को कई सड़कों से अवगत कराया, बताया कि 2017 के भीषण बाढ़ से कई सड़कें तबाह हो गई है, उसको लेकर सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को अवगत कराया। तो वहीं जावेद आज़ाद क्या कुछ बातें कर रहे हैं, जरा सुनते हैं तस्वीरों पर। एक समस्या और है, ये जो पुल जो यहाँ बन रहा है कुछ खाते के धारे की जमीन है, तो पवन भाई जो ठेकेदार है तो वो बोला था कि 80,000 में तय हुआ है कि जमीन वाले को 80,000 रुपया हम दे देंगे, पर पवन अग्रवाल अभी तक 80,000 रुपया।